बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल दही के रायते की रेसिपी शेयर करूंगी। सो आइए जी स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू किचन डॉक्स यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। सो यहाँ पे जी मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट कर ली हैं और ये चटनी बना के आप स्टोर कर सकते हैं। जब आपका मूड हो रायता बनाने का तो फिर आप दही में मिक्स करें और जल्दी से रायता बना लें। सो आइए जी कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। चूल्हा चला लिया, फ्लेम मीडियम पे। एक पैन में मैंने एक गिलास के करीब पानी ऐड किया है और यहाँ पे जी मेरे पास 50 ग्राम या फिर 1.5 कप पालक है, यानी कि स्पेनिश। और पालक डाल के हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस एक दफ़ा इसको जोश देना है कि पालक जो है ना हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही एक बॉयल आएगा, एक मिनट कुक करने के बाद जी अब फ्लेम ऑफ कर देंगे, पानी हम डिस्कार्ड कर देंगे और पालक जो है ना वो हमने यूज़ करनी है। रायते में पालक का फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आएगा, बेसिकली ये यूज़ हो रही है अच्छे से ग्रीन कलर के लिए। जो फिर रायते में ग्रीन कलर आएगा वो पालक से आएगा। पालक हम ग्राइंडर के जग में ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास 7 मिर्ची हैं स्पाइसी वाली, वो ऐड करेंगे। आप मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। 30 ग्राम या 1 कप ग्रीन धनिया ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। अगर आप इसको विदाउट पानी ग्राइंड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इसमें 4 टेबलस्पून पानी ऐड कर दें। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, या अगर आप पानी भी नहीं ऐड करना चाहते ना तो फिर आप इसमें 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून दही के ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और ये ग्रीन चटनी आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं फ्रीज़र में। और जब आपका मूड हो रायता वगैरह बनाने का तो दही में सिंपली ये चटनी ऐड करें और नमक ऐड करें, आपका रायता जो है ना वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से ये ग्राइंड हो चुकी थी और इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है और दही में मिक्स होकर ना भाई आप खुद देखेंगे कि कितनी ज़बरदस्त बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की ये चटनी रेडी होगी। थोड़ी सी जी मैं इसको दही में ऐड करूँगी, ऑलमोस्ट 2 से 3 टेबलस्पून दही में ऐड करेंगे। या आप इतनी ऐड कर सकते हैं जब आपको लगे ना कि दही का कलर आपके अकॉर्डिंग हो गया तो इतनी आप इसको दही में ऐड कर लें, बाकी आप इसको स्टोर कर सकते हैं। एक बाउल मैंने दही का लिया था, उसमें 1 टीस्पून हम नमक ऐड करेंगे और यहाँ पे जी अब मैं इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब ये चटनी ऐड कर दूंगी। परफेक्ट दही जमाने का तरीका मैंने इसकी लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मेरे चैनल पर दही जमाने की रेसिपी भी मौजूद है। मोटा गाढ़ा और बाज़ार से भी बेहतरीन मीठा दही किस तरह जमाते हैं वो आप जाके मेरी रेसिपी देख सकते हैं। मैंने 2-3 टेक्स में इसमें चटनी ऐड की थी क्योंकि मुझे जो कलर है ना वो अच्छा सा ग्रीन कलर चाहिए था। आप देख सकते हैं ज़बरदस्ती चटनी रेडी है। होप्स आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।